एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ दीपिका। सो आज अगेन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक होम डेकोर आइडिया, जो कि एक खाली पड़े डिब्बे से मैंने बनाया है। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। यस, यू आर राइट, आज हम बनाने वाले हैं एक विंटेज बॉक्स। एक ज्वेलरी बॉक्स मैंने बनाया है, इसी तरह से आप एक वॉच बॉक्स या फिर जिस भी तरह का बॉक्स आपके पास अवेलेबल है वो बना सकते हैं। अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली मैंने इसको बनाया कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वेट, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना? तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन के ऊपर भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं आगे पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये विंटेज बॉक्स बनाने के लिए मेरे पास एक सनग्लासेस मैंने लिया था इस बहुत साल पहले, तो उसका एक बॉक्स पड़ा हुआ था, तो वही मैंने इसमें यूज़ किया है। तो जो सनग्लासेस का, आप कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास वेस्ट में पड़ा होगा। इसके लिए मैंने इसको थोड़ा विंटेज वाइब देने के लिए कार्डबोर्ड पेपर जो होता है उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, एंड उनको वन बाय वन स्टिक कर दिया है बॉक्स के ऊपर। उसके बाद ये ऐसे छोटे छोटे पीस भी हमें जो है कार्डबोर्ड बॉक्स के कट करके इसके ऊपर स्टिक करने हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, मेरी तरफ से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने दो स्टिक्स अटैच कर दी थी, बट बाद में जब मैंने डिज़ाइन कट की बीच में सेंटर पोर्शन में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो एक ही स्टिक लगाना था, बट मैंने गलती से दो स्टिक लगा दिए। बट डोंट वरी, यूजुअली आप कभी भी अगर DIY करते हो तो ये सारी मिस्टेक्स होती रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ बनाना ही छोड़ दो। हमेशा ऐसा सोचो कि अगर कोई भी गलती हो रही है तो आप जो बनाना चाहते हो DIY, मतलब जो आपने सोचा है उससे कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। तो मैंने वो सारे स्टिक्स निकाल दिए थे, कार्डबोर्ड स्टिक, एंड वापस से फिर सिंगल स्टिक लगा दी है। तो ये चारों साइड से लगा दिया है मैंने, उसके बाद मास्किंग टेप से हम इसको कवर कर देंगे। उसके बाद देखो, ये बॉक्स को मैंने पूरे मास्किंग टेप से कवर करने के बाद एक टिश्यू पेपर लिया है, एंड ग्लू में थोड़ा सा जो फेविकॉल ग्लू है, वाइट ग्लू, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पूरे टिश्यू पेपर को होल बॉक्स के ऊपर कवर कर दिया है। सूख जाता है ये, हम ब्लैक कलर से इसको पेंट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं जो भी कलर्स यूज़ कर रही हूँ, जो भी ग्लिटर कलर्स हो या फिर नॉर्मल कलर्स हो, ये सारे मैं एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक ब्राउन शेड का कलर लिया है क्योंकि हमें इसको वुडन लुक देना है, राइट? सो इस वजह से मैंने ये थोड़ा ब्राउन शेड इसमें यूज़ किया है। ब्राउन शेड यूज़ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा पिंक ग्लिटर कलर भी यूज़ किया है, एंड पिंक ग्लिटर कलर होने के बाद मैंने ब्लू ग्लिटर कलर भी इसमें यूज़ किया है। सारे पेंट सूखने के बाद जो है हमें, ये मेरे पास एक ब्रॉच पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, मुझे याद नहीं किस चीज़ का है, और ये डायमंड भी शायद कोई पर्स से निकला हुआ होगा, तो मैंने इसका यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो इसको स्टिक कर दिया मैंने। एंड उसके बाद फेविक्रिल का जो मोल्डेड क्ले है उसका यूज़ करके मैंने यहाँ पर जो है थोड़ी डिज़ाइन बना दी है, ताकि ये प्रॉपरली एक वुडन विंटेज बॉक्स का लुक ले। आप होममेड क्ले भी इसमें यूज़ कर सकते हो, बट मुझे जल्दी सूखने वाला क्ले चाहिए था, इस वजह से मैंने फेविक्रिल का जो मोल्डेड क्ले होता है उसका यूज़ किया है।
जैसे ही ये सारा क्ले सूख जाता है, हमें ब्लैक कलर से इसको पेंट करते हैं, तो इसमें यहाँ पे भी मैं एक्रेलिक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन एक्रेलिक कलर लेंगे थोड़ा, एंड उसको स्पंज के हेल्प से डैप डैप मोशन में पूरे बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। इससे एक बहुत ही अच्छा शाइनी एंड ग्लिटरी लुक आएगा बॉक्स को। एंड नाउ सी द फाइनल रिजल्ट।